देवास जिले के खातेगांव को जिला बनाने के लिए 22 वर्ष पुरानी मांग को क्षेत्रवासियों ने पुनः जिला बनाने की मांग का ऐलान कर दिया है। खातेगांव को जिला बनाने को लेकर एक रैली निकालकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन SDM संतोष तिवारी को सौंपा है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रावल सिंह यादव, किसान यूनियन प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में नगर के कांग्रेस BJP के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में खातेगांव को जिला बनाने की मांग रखी है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। खातेगांव इसलिए जिला बनना चाहिए कि देवास जिले के सबसे अंतिम छोर पर खातेगांव है, उसके बाद खातेगांव नगर पूरे देवास जिले में सबसे बड़ा अगर कोई नगर है तो वो खातेगांव है। यहाँ पे शासकीय जमीन सबसे ज़्यादा है। यहाँ की कृषि उपज मंडी उज्जैन संभाग की ए ग्रेड मंडी में शामिल है। व्यवसायिक दृष्टि से क्षेत्रफल के आधार पे और अगर जो शासन की गाइडलाइन है कि जनसंख्या अनुपात और जिले से दूरी, उनमें सब में खातेगांव पूरी प्राथमिकता से सटीक बैठ रहा है कि खातेगांव जिला बनना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। ये खातेगांव को जिला बनाने के लिए हमने कई दिनों से संघर्ष चल रहा है, कई सालों से संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष समिति के द्वारा आज खातेगांव को जिला बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया, उसमें कांग्रेस परिवार की ओर से हम कांग्रेस परिवार पूरी तरह से खातेगांव को जिला बनाया उसमें सहयोगी हैं और हमेशा तन मन धन से हम खड़े रहेंगे कि खातेगांव जिला बनना चाहिए। उसमें आज पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार, भारतीय जनता पार्टी और सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा जो आज SDM को आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, हम चाहते हैं कि खातेगांव जिला बने। तो जिला क्यों बने? इसलिए बने कि खातेगांव जो शहर है, जो खातेगांव का तहसील है, वो मेरे हिसाब से यहाँ की मंडी पूरे देवास जिले में सबसे अच्छी मंडी, एक क्लास मंडी है। खातेगांव बाजार अच्छा, खातेगांव क्षेत्र पर भौगोलिक दृष्टि सभी दृष्टि से जिला बनने योग्य है। हम चाहते हैं कि बागली को नहीं बनाकर खातेगांव को जिला बनाया जाए। धन्नौद, खातेगांव, सतवास नीचे के करीब करीब घाट नीचे के करीब करीब तहसील, दोनों तीनों तहसील के जोड़कर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूर्ण होता है जिला बनने के लिए। हमारी ये मांग है आदरणीय मुख्यमंत्री से कि खातेगांव को जिला बनाया जाए। खातेगांव संघर्ष समिति इसके लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती रहेगी हम उसके साथ। देखिए, अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की और अगर वहाँ के दृष्टिकोण को लेते हैं और यहाँ के दृष्टिकोण को लेते हैं तो खातेगांव बहुत उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले जो हैं 2,2500 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। खातेगांव जिला लगभग, देवास जिला लगभग 7,500-8,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। खातेगांव की जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर के लगभग की दूरी है। खातेगांव क्षेत्र के लोगों को वहाँ तक जाकर पहुँचने में, कार्य कराने में बहुत सारी असावधानियाँ होती हैं। चूँकि वर्तमान परिदृश्य में जहाँ बागली को जिला बनाने की मांग चल रही है और खातेगांव को जिला बनाने की मांग लगभग 25-26 साल पुरानी है, खातेगांव के लोग बहुत लंबे समय से खातेगांव को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। खातेगांव क्षेत्र की आप भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उठाकर देखें तो खातेगांव जिला बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त है। खातेगांव की मंडी ए ग्रेड मंडी में शुमार है। खातेगांव में शिक्षा की मजबूत व्यवस्था है। खातेगांव में स्वास्थ्य की मजबूत व्यवस्था है। खातेगांव में रोजगार के साधन है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। माँ नर्मदा का पावन तट हमारे पास में है। वर्ल्ड फेमस प्रसिद्ध जैन मंदिर नेमावर में बनने जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से नेशनल हाईवे पर हमारा क्षेत्र है। सांसद सुषमा स्वराज की महत्वपूर्ण सौगात से बड़ा रेलवे स्टेशन खातेगांव क्षेत्र में बनने जा रहा है। वो सौगात भी 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। इन सारी चीज़ों का समावेश अगर हम करके देखें तो खातेगांव उपयुक्त है। खातेगांव की जो मंडी है, आसपास की 4-5 विधानसभा की 7-8 तहसीलों के लगभग 600 गांवों के किसानों की उपज यहाँ आती है। उनके किसानों को यह विश्वास है कि खातेगांव की मंडी और खातेगांव का व्यापार और खातेगांव के व्यापारी समृद्ध है, ईमानदार है और उसी का परिणाम है कि खातेगांव की मंडी मध्य प्रदेश की एक रेट मंडी में शुमार है। ये सारे दृष्टिकोण पर नज़र दौड़ाएं, राजस्व यहाँ से अच्छा सरकार के पास पहुँचता है। 300-350 एकड़ जमीन सरकार के पास यहाँ है, तो यहाँ सारी चीज़ों को अगर समावेश करें तो जिला बनाने के लिए भी खातेगांव से उपयुक्त स्थान कोई सा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।